ऑक्सीजन से भरी वायु को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को इनहेलेशन कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से भरी वायु को बाहर निकालने को एक्सहेलेशन कहते हैं। बगैर सांस लिए हम अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते हैं। जब हम वायु को अंदर लेते हैं यानी कि इनहेल करते हैं, तब ये हमारे नॉस्ट्रिल्स में से नेजल कैविटी में चले जाती है। नेजल कैविटी से वायु विंड पाइप या श्वास नली में जाती है, जिसे ट्रेकिया भी कहते हैं। फिर वायु दो छोटी ट्यूब्स में चले जाती है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं, और फिर ये हमारे फेफड़ों में पहुंचती है। फेफड़े चेस्ट कैविटी में होते हैं। ये कैविटी रिब्स या पसलियों से घिरी रहती है, एक बड़ी मांसल चादर की तरह संरचना जो डायफ्राम कहलाती है। वह चेस्ट कैविटी को आधार प्रदान करती है। ब्रीदिंग यानी कि श्वसन में डायफ्राम और रिब केज या पंजर की गति भी शामिल होती है। जब डायफ्राम नीचे की ओर जाता है तो इससे चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है। हमारे शरीर में वायु नॉस्ट्रिल्स से प्रवेश करती है, फिर ये वायु एक पाइप से गुजरती है जो विंड पाइप कहलाता है। वायु पाइप के दोनों हिस्सों में जाती है जो ब्रोंकाई कहलाते हैं, और आखिर में वायु लंग्स में पहुंचती है, जिससे कि लंग्स फूल जाते हैं। जब डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है, लंग्स पर ज्यादा दबाव पड़ता है और वायु लंग्स से बाहर निकल जाती है। यानी कि वायु जिस रास्ते से हमारे शरीर में प्रवेश करती है, उसी रास्ते से बाहर निकल जाती है, यानी कि लंग्स से ब्रोंकाई में, फिर विंड पाइप में, फिर नेसल कैविटी, फिर नॉस्ट्रिल्स के द्वारा शरीर से बाहर। एक बार फिर से देखते हैं। ऑक्सीजन से भरी वायु शरीर में लेने को इनहेलेशन कहते हैं। इनहेलेशन के दौरान रिब्स ऊपर की ओर बाहर की ओर बढ़ती है, चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है और वायु लंग्स में जाकर लंग्स को फुला देती है। कार्बन डाइऑक्साइड से भरी वायु को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को एक्सहेलेशन कहते हैं। एक्सहेलेशन में रिब्स नीचे की ओर और अंदर की ओर जाती है, चेस्ट कैविटी घट जाती है और वायु लंग्स से बाहर निकल जाती है।